हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करेंट अफेयर्स क्लास में स्वागत है। बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। 75 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आज हम लोग 76 से 100 तक फाइनल करेंगे। तो इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर सवाल है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया। देखिए, कभी कभी जो दिवस होता है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, खास करके आपके दारोगा के लिए और 10+2 जो बिहार का SSC का एग्ज़ाम है, इसमें ऐसे सवाल आपके करेंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया, इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाता है, 14 अक्टूबर और 13 मई को। 14 अक्टूबर और 13 मई को हो जाएगा, इसमें थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए, आंसर इसका सी हो जाता है, याद रखिएगा। हर साल मई और अक्टूबर के महीने में, हर साल मई और अक्टूबर के महीने में दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम लोग इसके थीम के बारे में देखें तो वाटर सस्टेनेबल वर्ल्ड लाइफ हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका थीम पूछा भी जा सकता है आपसे, वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग देखेंगे, 77 नंबर सवाल है हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, इसका आंसर हो जाएगा मनीष कपूर हो जाएंगे, आंसर इसका बी हो जाता है, मनीष कपूर, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं इनके बारे में पूछा जा रहा है, इनकी नई नियुक्ति किसका हुआ है। अगर हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर ध्यान देंगे तो इसकी स्थापना के बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, और ये बार बार पूछा जाता है आपसे। अगर मुख्यालय की बात कर दिया जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और गवर्नर जो अभी वर्तमान में है वो आपके शशिकांत दास हो जाएंगे। इस तरीके से आपके कुछ फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए। अगला सवाल है कि किस कंपनी ने कुइपर सेट 1, याद रखिएगा ये बहुत बीबीआई हो जाता है आपके लिए, कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2 नामक अंतरिक्ष सैटेलाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, पूछा जा रहा है किस कंपनी ने, तो कंपनी का नाम याद रखिएगा अमेजन हो जाता है, आंसर ए हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा। जैसे मैं आप देखते हैं कुछ फैक्ट्स को, सैटेलाइट लॉन्च की बात करें तो फ्लोरिडा जो अमेरिका में है, एटलस 5 रॉकेट के माध्यम से इन्हें धरती से करीब 500 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया है। सैटेलाइट लॉन्च कहाँ, फ्लोरिडा से, याद रखिए फ्लोरिडा कहाँ पे, अमेरिका, और किससे, तो एटलस 5 रॉकेट के माध्यम से। इसको करीब आपको देखिएगा तो धरती से करीब 500 किलोमीटर ऊपर कक्षा में इसको स्थापित किया गया है। और उद्देश्य की अगर बात कर दिया जाए, इसका उद्देश्य क्या था इसको अंतरिक्ष में स्थापित करने का, तो तेज इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इंटरनेट की दुनिया में और क्रांति हो, इंटरनेट की प्रगति और हो जाए। 79 नंबर सवाल है हमारा। विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है, किसके लिए, तो 2023 के लिए देखिएगा एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के लिए ये हो जाएंगे आपके नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड जीता था, आंसर बी हो जाएगा, इनका नाम है नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। अगला सवाल है हम लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस क्रिकेटर को वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो क्रिकेट की दुनिया में इनको भगवान के नाम से जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं, सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। अगला सवाल है हम लोग का, 81 नंबर सवाल है, युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने शुरू किया। देखिए, कभी कभी योजना जो है, जैसे बिहार दारोगा का एग्ज़ाम होने जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपके बिहार से ही जो रिलेटेड योजना है उसके बारे में पूछा जा सके, ऐसा नहीं है। अदर स्टेट्स के योजना जो इम्पोर्टेंट होते हैं वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा,
इसका आंसर आपका डी हो जाता है। अधिकतर दारोगा में जो योजना पूछा जाता है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का जब भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। और इस योजना को किसने स्टार्ट किया, तो छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 82 नंबर। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया, उद्घाटन पूछता है कहाँ किया गया, तो ये अमेरिका में किया गया है, मैरीलैंड में। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ये हो जाता है मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। अगर हम लोग बात करें तो इससे 19 फीट प्रतिमा मूर्तिकार जो बना है राम सुतार ने बनाया, और यही व्यक्ति जो हैं इन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू बनाया। 83 नंबर सवाल देखेंगे। किस राज्य ने अबुआ वीर दिशोम वनाधिकार, देखिए अबुआ वीर दिशोम वनाधिकार अभियान 2023 से शुरू किया, तो आप देख सकते हैं झारखंड सरकार ने इसको शुरू किया है। आंसर ये हो जाएगा, झारखंड सरकार ने इसको शुरू किया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बबुआ वीर दिशोम वनाधिकार अभियान के माध्यम से जंगल में निवास करने वाले लोगों को वन पट्टा देने का कार्य किया जाएगा, जिससे उन्हें वन क्षेत्र में अधिकार प्राप्त हो सकेगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कहता है कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की किस बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है। प्रेसिडेंट कलर से किसे सम्मानित किया गया है, तो नागा रेजिमेंट हो जाता है, जिसे थ्री नागा कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल 85 नंबर, कहता है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर, कहता है कि शुभंकर कौन है, तो शुभंकर ये हो जाएंगे जूही, आंसर ये हो जाता है, जिसे आप देख सकते हैं ये जूही शुभंकर हो जाते हैं। 86 नंबर सवाल है, 86 नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया है, तो नए खेल जो हैं इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, इसको दो चार बार रिवाइज करेंगे तो आपको सब का सब याद रहेगा। इसका आंसर डी हो जाता है, बेसबॉल हो जाएगा, सॉफ्टबॉल हो जाएगा, स्क्वाश हो जाएगा, लेक्रोस हो जाएगा, फ्लैग फुटबॉल हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, ऊपर में से सभी हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 87 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, कहता कि केंद्र सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया, किस कार्यक्रम को शुरू किया, इसका आंसर बी हो जाएगा, हरित ऋण कार्यक्रम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है, हरित ऋण कार्यक्रम हो जाता है। अगला सवाल है 88 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, कहता है कि FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसे जीता है, ये रौनक साधवानी हो जाएंगे, भारत के हैं, आंसर डी हो जाएगा, रौनक साधवानी। रौनक साधवानी की अगर बात करें हम लोग, तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र से। और फिडे जो विश्व जूनियर रैपिड और वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2023 विजेता की अगर बात करें, तो गोहर वियुदुलेया नाम होता है, जो अजरबैजान के हैं, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है हम लोगों का, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री योजना किसने शुरू की है, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया, आंसर आपका बी हो जाता है, आंसर इसका बी हो जाएगा। इस योजना के तहत हर छात्र के पास 12 अंकों की आधार आईडी होगी, जो उनकी शैक्षणिक यात्रा और उनकी उपलब्धियों को ट्रैक करेगी। 90 नंबर सवाल है हम लोगों का, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की अवकक्ष प्रतिमा का अनावरण, कहता है कि कहाँ किया गया, तो ये हो जाएगा वियतनाम में किया गया, आंसर डी हो जाएगा, नी शहर में किया गया, और नी शहर कहाँ पे है, वियतनाम में है, वियतनाम। अगला सवाल है हम लोग का 91 नंबर सवाल देखेंगे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? कहा जा रहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहता है कि कहाँ किया गया, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा, मुंबई में किया गया है। अगर बात करें हम लोग तो ये कौन सा संस्करण था, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आंसर में आपको ऑप्शन में आपको दे देता है, इसलिए याद रखिएगा तीसरा संस्करण था। संस्करण आजकल पूछने लगा है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 92 नंबर सवाल है हम लोगों का, मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, और याद रखिएगा ये सातवां है, जिनका नाम है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल नाम है इनका। आंसर डी हो जाएगा। मणिपुर हाईकोर्ट के नए जो जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश जो सातवें हैं, ये क्रम भी याद रखिएगा, क्रम पूछा जाता है, इनका नाम है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल नाम हो जाता है। अगर हम लोग मणिपुर उच्च न्यायालय की बात अगर करें तो इसकी स्थापना आपको 2013 में होती है, और मुखापीठ की बात करें तो इम्फाल हो जाता है, और राजक्षेत्रीय अधिकर्ता की बात करें तो ये मणिपुर हो जाता है। 93 नंबर सवाल है, अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच 40 साल बाद फिर से नौका सेवा शुरू किया गया। नौका सेवा तो ये हो जाता है आपके श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका भारत नौका सेवा होता है 40 सालों के बाद, श्रीलंका के मध्य में ये स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यह नौका सेवा तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका के काकेश सुतुरई के बीच होगी। इस नौका सेवा का संचालन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर रही है। श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान श्रीलंकाई नौसेना ने इस सेवा को बंद कर दिया था, उसके 40 सालों के बाद ही इसे फिर से प्रारंभ किया गया भारत और श्रीलंका के मध्य में। 94 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, छठी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कहता है कि समान स्थिति में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत हो गई है, कितना प्रतिशत हो गया है। तो ये डाटा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 37% हो गया है, 37% हो गया है महिलाओं की भागीदारी जो है, महिलाओं की भागीदारी पूछता है कि कितने प्रतिशत हो गया है, किसमें, तो श्रम बल में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगर आंकड़ों के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो 2019-20 में महिला श्रम बल भागीदारी की दर की बात करें तो यहाँ पे 30% ही, जो 2021-20 में बढ़कर कितना हो गया, 32.5% हो गया। यह दर 2021-22 में 32.8% थी, जो 22-23 में बढ़कर के 37% हो गई। और रिपोर्ट की जानकारी अगर जारीकर्ता की बात करें तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के द्वारा, कार्यालय के द्वारा, इसको NSSO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 95 नंबर सवाल है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया। पूछता है कि बताइए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनको नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया, और ये कंट्री है फिनलैंड। आंसर आपका डी हो जाएगा, फिनलैंड हो जाता है। 96 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। जब भी पहला राज्य की बात आए तो याद रखिए बहुत VBI हो जाता है, और पहला राज्य के मामले में अगर देखा जाए तो ये झारखंड होगा। आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाता है, झारखंड। 97 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, भारत में पहली बार किस राज्य में तिलापिया परियो वायरस की मौजूदगी का पता चला है, कहाँ पे पहली बार कहाँ पे पता चला, तो ये तमिलनाडु में हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण को रोकने के लिए किस संस्थान ने धन शोधन रोधी निर्देशों में संशोधन किया है, तो ये आपको संशोधन सेबी में किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, संशोधन कहाँ पे किया, सेबी में किया गया। यह दिशा निर्देश धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत स्थापित नियमों पर आधारित है। इसका उद्देश्य पूंजी बाजार के जरिए काले धन को वैध बनाने के संभावित उपायों पर रोक लगाना है।
अगला हम लोग देखते हैं, जंगली हाथियों को ट्रेन की टकराव से बचाने के लिए एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये वाला सवाल आपके लिए भीबीआई हो जाता है। पहला राज्य कौन सा हो जाता है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ए आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन का हमारा अंतिम सवाल है, स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार, स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने इसे प्रारंभ किया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सेशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।